हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सारा दी का न्यूज़ चैनल। इस समय इलेक्शन का माहौल है, हर पार्टी की तरफ से अपने अपने तौर पर प्रचार हो रहे हैं। आज जिस गेस्ट से हम मिलने वाले हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश मेहरा जी है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 क्राइसिस में जहाँ पर कई हज़ार लोग रास्तों पर चल के अपने गांव जा रहे थे, जिनके पास मेडिकल और खाने की भी सुविधाएं नहीं थी, इन्होंने पर्सनली अपने तौर पर जाकर घर घर में लोगों की अनकंडीशनली उन्होंने लोगों को हेल्प किया। और इनका हमेशा एक ही विजन रहता है कि हर हाल में कांग्रेस को सपोर्ट करे और कांग्रेस के विजन को आगे बढ़ाते रहे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, सब पार्टी अपने प्रचार में लगे हुए हैं और कांग्रेस का भी इसमें आपका क्या पक्ष है? कांग्रेस इसमें किस तरह से उभर के आएगी? क्या आपको लगता है कि लोग इस इलेक्शन में कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस को जिताएंगे? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस का अपना एक वजूद है। कांग्रेस हमेशा अपने बलबूते पे देश की सेवा, जवानों की सेवा, नौजवान की सेवा, जय जवान जय किसान, खेती बाड़ी का काम, एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश होने की वजह से हमेशा कांग्रेस पॉवर्टी लेवल पे उन्होंने ध्यान दिया है। कृषि प्रधान देश होने के नाते उन्होंने हमेशा पॉवर्टी लेवल पे ध्यान दिया है। अनाज हमारे पास 1962-63 में जब हम चाइना से वार हम झेले हैं तो हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करते थे। सम्माननीय भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री श्री भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस देश में कांग्रेस ने इतना योगदान दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके महात्मा गांधी से लेके लाल बहादुर शास्त्री से लेके, इस देश में कांग्रेसियों का अपना वर्चस्व रहा है। देश सेवा में उन्होंने कभी मापलीचिंग नहीं किया, कभी जात पात की राजनीति नहीं किया, उन्होंने सबको अपना भाई बहन माना। सोशल इंजीनियरिंग भी उन्होंने कभी देखा नहीं। आज के लोग सोशल इंजीनियरिंग, जात पात, हिंदू मुस्लिम, जय श्री राम, ये सब चीज़ें जो है ये धार्मिक चीज़ें हैं। धार्मिक चीज़ों को राजनीति में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनसंघ, जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग उपद्रवी लोग हैं। मजहब के नाम से चुनाव में टिकट लेते हैं, भावनाओं में लोगों को भड़का के एक बार चुन के आने के बाद इनको न मंदिर से कोई लेना देना, न किसी संस्था से कोई लेना देना है। और ये मावलीचिंग, ये फलाना जात का, ये ढिमकाना जात का है, ये सबसे देश को नुकसान है, देश नहीं चल सकती है। सम्माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी कोविड के नाम से, ढिमकाना के नाम से, फलाना के नाम से आज जो भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, दवा बनाने वाली कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, डॉक्टर को हो रहा है, और सब लोग, तमाम इस प्रकार के जो व्यापारी लोग हैं वो अपना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, देश दुनिया से डोनेशन ले रहे हैं, भारत का नाम खराब कर रहे हैं कि गरीबों के नाम। क्या गरीबों ने इनको भीख मांगने के लिए कोई अपना परमिशन दिया है? वोट मांगते समय आपने एक वादा किया गरीबों से कि तुम्हारे नाम से मैं भीख मांगूंगा? इस देश, ये भिखारी देश नहीं, सदैव क्राइसिस में, हमेशा दूसरे देशों का इस देश ने मदद किया है, आज देश का नाम खराब कर रहे हैं। मैं युवाओं से, आपको 2 करोड़ नौकरी मिली, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी आपको देना था, आपका GDP जहाँ से थी, महंगाई कितनी बढ़ गई, जो जो चीज़ें आपको इन्होंने वादा किया था चुनाव जीत कर आगे, वहीं इनका काम ख़त्म होता है। मावलीचिंग करो, जात पात, सोशल इंजीनियरिंग, किसी तरह से इनको वोट दे दो, फिर साधु संत महात्मा सबको भटका दिए हैं इस देश में, सब अपने अपने पेट के लिए, अपने अपने धर्म, अपने अपने जाति के लिए ये काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक नहीं हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। इसके आगे जो अब चुनाव आया है उत्तर प्रदेश में, देश का सर्वश्रेष्ठ और तीर्थवर साधु संतों का देश होते हुए उत्तर प्रदेश की ज़्यादा अहमियत रखती है, वहाँ के सीटें हमारे प्रधानमंत्री पद के निर्णायक सीटें होती है। उत्तर भारत के तमाम भाई बहनों से और जितने भी कास्टेजियम को बढ़ावा दे रहे हैं, इनसे भी मेरी निवेदन है कि चुनाव तो विकास के नाम पर ले लीजिए,
सारे देश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, सारे देश में सब खरीदी करते जाओ, असला खरीदो, घर खरीदो, जमीन खरीदो, सब ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। वर्ल्ड बैंक हमको आज कब्जा पैसा अगर फाइनेंस कर रही है, हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, हमारी जीडीपी कम होते चली जा रही। रिजर्व बैंक के तुमने हजारों करोड़ रुपया आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, इतिहास तवारीख गवाह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। रिजर्व बैंक के पैसे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिजर्व बैंक के पैसे नहीं पूछेंगे। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मोदी जी ने विकास बढ़ाने की बात किए थे और नौकरी दिलाने की बात की थी, यूपी के जो युवा हैं वो नौकरी के लिए जाते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस उन पर लाठियां बरसाती, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये ब्यूरोक्रेट का राज चल रहा है, ब्यूरोक्रेट जैसा चाहेगे वैसा करेंगे, अपने फायदे के लिए ब्यूरोक्रेट करता है, इसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। जब शहरी पे यानी होटल्स पे जो मूल निवासी है भारतवर्ष का, उसके ऊपर लाठी चलाना ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हुआ तो उसमें सुधार होना चाहिए। सम्माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को एक छोटी सी छोटी बात को ध्यान रखना चाहिए जो इस वक्त नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लुभावने भाषण देकर और उत्तर प्रदेश वासियों को आप गुमराह कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग अभी आप नहीं कर रहे हैं, जैसे चुनकर आए दूसरे दिन से शुरू हो जाएगी। आप अपने इस किए हुए कार्यों पे ध्यान न देखें भारत के प्रधानमंत्री जी, आप अपने कैबिनेट में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देते हैं, स्वयं अकेले बोलते हैं। लेकिन आपको देखना है कि देश के युवाओं पर लाठी चार्ज होना अत्यंत और कठिन और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चाहे देश में किसी भी पार्ट में होता हो। ये प्रधानमंत्री जी की जवाबदारी है कि युवाओं पे, नौकरी मांगने वालों पे, गरीब मजलूम लोगों पे लाठी चार्ज नहीं होनी चाहिए। कायदे से उनका निदान करो, उनकी समस्याओं का समाधान करो। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भाई आपसे आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी जो सच्चाई है, जो आप कर सकते हैं वही वादा करिए, फैसले जनता पे छोड़ दीजिए। ऐसे लुभावने वादा करेंगे महिलाओं के लिए अमुक तमुक ये वो, बच्चों के लिए अमुक तमुक ये वो, सारी सुविधाओं का आप वादा तो करते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। कृपया ये थोड़ी सी मर्यादा रखिए, वोट जिसको मिले पार्टी कोई भी हो, देश हित में काम होना चाहिए। जो भाजपा आज देश हित में काम कर रही है, ऐसा नहीं मैं उस पर लाचन नहीं लगाऊंगा, जितनी की आवश्यकता है मुझे उसका 50% भी नहीं कर रही है, आप इस पर ध्यान दें। लाखों भारतीयों को जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जूझ रहे थे उनको फायदा हुआ, और राहुल गांधी जी भी हमेशा अपने स्पीच में ये मुद्दा रखते ही है कि एम्प्लॉयमेंट देश को, देश की यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है, और वो नौकरियों का जो वादा किया गया था वो अब तक मिली नहीं। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी पीएम बने थे इंडिया एक ज़्यादा हमको एक एडवांस्ड देखने मिलेगा, कि जो डेवलपमेंट की बात वो कर रहे हैं, क्या सच में कांग्रेस ये वादों को पूरा कर पाएगी? भारत के सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री राजीव गांधी जी ने साइंस और टेक्नोलॉजी इस देश में लाने के लिए, इस देश की विकास के लिए, इस देश की उन्नति के लिए लाना चाह रहे थे, तब भी हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोध किया था। गांव गांव प्रचार में डंका पीटते थे कि ये जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो मशीनें काम करेंगी, हमारे सारे देश के नौजवान सब बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, मशीनें काम करने लगेंगी। लेकिन परवाह न करके जब ये बिल लाया गया, कानून पास हुआ और देश में जब लागू हुआ, तो आज वही लोग भाजपा के लोग हैं, आज उनको साइंस ये टेक्नोलॉजी के बगैर वो कदम भी नहीं रख रहे हैं। सब मीटिंग का सारे निकाले मोबाइल, तुरंत उसमें इस्तेमाल किया और पता लग गया, और उनको आज ये बात पता लगी है। ये तो स्टेप अप एम्प्लॉयमेंट हमारे शहरों के लिए था, 25% अपना पैसा डालो, बाकी तुमको मिलेगा टैक्सी रिक्शा ऑटो और सब दुनिया की चीज़ें खरीद के, हर आदमी जहाँ था वहीं खुश था, वहीं खाता पीता मस्त रहता था। और ये स्कीम हमारे गांव में सम्माननीय राजीव जी ने, वो सम्माननीय मनमोहन सिंह जी ने ये किया, जो गांव में साल में 3 महीने का उनको वेतन मिलता है, काम हो या ना हो गवर्नमेंट की जवाबदारी है। आज भारत के प्रधानमंत्री को हम याद दिलाना चाहते हैं कि 9.8% GDP उस वक्त थी,
देश में दुनिया में हमारा नाम था, 8.9 जीडीपी पे हम बड़ा खुश होके कहते थे। प्रधानमंत्री जी आप इस चीज पे गौर करिए, आपने क्या किया, नोटबंदी नोटबंदी कानून लागू करके हमारे देश के गरीबों को एकदम और गरीब बना दिया है। उसके बाद हमने भी नोटे, कांग्रेस पार्टी ने भी नोटे चेंज की है, लेकिन किसी को पता नहीं चला, नोट के बदले नोट बाजार में आते रहे। आपने तो भिखारी बना दिया, शादी रुक गई, ब्याह रुक गया, मौत रुक गई, उनकी मैयत नहीं उठाई जा रही है, लाइन में खड़े खड़े लोग, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, समय पे उनका पैसा नहीं पे। अरे ये दुर्दिन आप लाए, इसलिए हम आपको भारत के प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश के आप प्रधानमंत्री हैं, जरा सोचिए क्या कर रहे हैं आपको और करना क्या चाहिए। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो है राहुल गांधी जी का विचार एकदम स्वच्छ और साफ है। कभी भी उन्होंने देश की जनता के लिए, देश हित को आगे रखकर उन्होंने बात किया है। कहीं छुट्टी पे चले जाते हैं तो आप उनका मजाक उड़ाते हो, कहीं कोई भाषण देते हैं तो हमको गलत नाम से आप संबोधित करते हैं। हम लोगों के दिल पे दुख है, हम कभी आपको गलत नाम से नहीं बोलते। आप हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय पोस्ट है, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान अच्छे काम से गिना जाता है। आज आपने पेंडेमिक या सेक्शन 3 उठा कर देखिए, देश के संविधान में इस भारत देश की जनता को जब भी कोई पेंडेमिक आया है तो उनको उनके पगार का 1.5 गुना सरकार के खजाने से पैसा डायरेक्ट जाना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब आप बोलते हैं कि मैं देश की जनता का बहुत सेवा करता हूं, बहुत मदद करता हूं, कितने लोगों को आपने 1.5 गुना पगार दिया है उनको, यह चीज आपने छुपा के रखा है। आपने भला किया है तो सिर्फ व्यापारियों का किया है, करना भी चाहिए, लेकिन देश में जो आपने उल्का पत्र मचा के रखा है, रेलवे बेच दिया, फलाने को कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, हवाई जहाज को दे दिया, पानी के बंदरगाह को आपने कॉन्ट्रैक्ट में, अरे सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा तो ये देश में ब्यूरोक्रेट नाम की चीज ही नहीं रहेगी। और हम एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो जनता से वादा करके आते हैं, चुनाव करके आते हैं, तो हम तो सिर्फ बैठे हैं। आपके कैबिनेट में तो किसी भी मिनिस्टर को इतना तक आपने छूट नहीं दी कि दिल की बात सामने जो देख रहे हैं सच्चाई बयान कर सके, क्या यही डेमोक्रेसी है? प्रधानमंत्री जी विचार करिए, आज आप है कल कोई और आएगा। आप तो हर चीज का जो आपने वादा किया एक रुपए का भी वादा आपने निभाया नहीं, उल्टा नई नई चीजें, पेंडेमिक आ गया, सारा देश को हड़ताल, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सऊदी अरब हो गया है, कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता है, कोई भी आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। जब हम बाहर नहीं निकलेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आपके मन की बात या तो एकदम गरीब आदमी जो मजदूर, और या तो फिर एकदम बड़ा आदमी जो राजा किंग, आप बीच मिडिल क्लास के लोगों का तो सर्वनाश कर दिया है।